नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हूँ आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार की, चुनाव परिणामों पर कांग्रेस के बड़े दावे की, देखेंगे कैसे सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है इंडिया, विधानसभा चुनावों में कैसे पलटी बाजी, जानेंगे बीजेपी के बयानवीर कैसे पार्टी पर पड़ गए भारी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनाव परिणाम के बाद शेयर बाजार में मचे हाहाकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की कोशिश शुरू। 5 जून को दिल्ली में हो सकती है इंडिया की बैठक। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बुलाया दिल्ली। नई सरकार को लेकर इंडिया के प्लान से बीजेपी में बेचैनी। पार्टी ने 5 जून को बुलाई बैठक। गठबंधन सहयोगियों को दिया न्योता, बहुमत से चूक गई बीजेपी। अमेठी सीट पर मिली जीत से गदगद कांग्रेस। प्रियंका ने कहा पता था केएल शर्मा अमेठी से जीतेंगे चुनाव। अमेठी सीट पर कांग्रेस ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत की दर्ज। और सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए राहत के दिए आदेश। कहा अंतिम आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद अपनी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए फिर से आग्रह कर सकते हैं सिसोदिया। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उनके पीएम बनने पर ही संकट दिखाई दे रहा है। चुनाव परिणाम के बाद से पूरे एनडीए में खलबली मच गई है। तो क्या है चुनाव परिणाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के परिणाम आज सामने आ गए हैं। इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है। 400 पार करने का दावा करने वाले पीएम मोदी मुश्किल से वाराणसी सीट बचा पाए हैं। बीजेपी खुद बहुमत से दूर हो गई है। यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में उसे जबरदस्त झटका लगा है। 543 सीटों के घोषित परिणामों में बीजेपी को सिर्फ 239 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी बहुमत के आंकड़े से 33 सीट पीछे रह गई है। ऐसे में अब जोड़ तोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे एनडीए को 285 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन जिस तरह का बहुमत इस बार एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है उसमें स्थिर सरकार नहीं दिख रही। एक तरफ बीजेपी को जबरदस्त घाटा हुआ है, उसकी सीटें 60 से भी ज्यादा घट गई हैं, तो कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर ली है। कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली है। इंडिया गठबंधन 235 सीट जीतने में कामयाब रहा है। वैसे बहुमत से बीजेपी 33 सीट दूर है, तो इंडिया गठबंधन 37 सीट। सबसे बड़ा खेला तो यूपी में हुआ, जहां सपा और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। इस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी से 6 सीटें छीन ली हैं और उसे 12 सीटों पर सीमित कर दिया है। केरल में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन ने 19 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन 25 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी को अपने ही गढ़ में हार मिली है। सिर्फ गुजरात, एमपी और बिहार ने बीजेपी को सहारा दिया। अब की बार 400 तो दूर, बहुमत ही पार नहीं हो पाया। तो दूसरी तरफ चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरह से इस चुनाव में मीडिया का रोल रहा, उस पर विपक्ष ने जरूर सवाल उठाए। चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के दिग्गज नेता जुटे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इन नतीजों में पिछली बार की तुलना में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई। 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज जो नतीजे आए हैं वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। सत्ताधारी दल भाजपा ने सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर वोट मांगा। आज ये साफ हो गया है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये हार नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। तो वहीं सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने संविधान को बचाने का काम अपने हाथों में ले लिया है। राहुल ने मोदी अडानी पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज स्टॉक मार्केट ने भी संदेश दे दिया कि मोदी जी गए तो अडानी जी गए। राहुल ने आगे कहा कि आज की जनादेश से जनता ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सिरे से नकार कर बड़ा संदेश दिया है। आखिर में संविधान की प्रति हाथ में थामे हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसे बचाने का काम मुख्य रूप से देश के गरीब आदिवासियों, किसानों, पिछड़ों और मजदूरों ने किया है।
चुनाव परिणाम बीजेपी की हार दिखा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। पूरा खेल अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। इस खेल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार केंद्र में आ गए हैं। तो कैसे पलट रही है बाजी और कैसे सरकार बनाता दिख रहा है इंडिया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं आता देख विपक्षी दल सरकार बनाने की तैयारियों में लग गया है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। एनडीए में सेंधमारी की कोशिश तेज हो गई है और इसी क्रम में शरद पवार ने दो बड़े नेताओं को फोन किया है। शरद पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की है। इन खबरों के सामने आने के बाद अचानक ही अटकलें तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन नतीजों के मौजूदा रुझान को देखते हुए अपनी सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2/3 से ज्यादा का बहुमत हासिल हो गया है। ऐसे में अगर नायडू बीजेपी का साथ छोड़ भी देते हैं तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि नायडू को शरद पवार ने उनकी पुरानी मांग मानने का आश्वासन दिया है और नायडू भी पवार की मांग पर विचार कर रहे हैं। इन दोनों प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं और दोनों जगह जनता ने सरकार बदलने के पक्ष में मतदान किया है। उधर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा है और उसे बिहार में अपने दम पर 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू को मिला दे तो कुल 30 सीटें होती हैं। अगर ये दोनों दल पाला बदलकर विपक्षी खेमे में चले जाएं तो एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि पवार ने कहा कि उन्होंने किसी से बात नहीं की है। केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है लेकिन विधानसभा चुनावों ने जरूर उसे राहत दे दी है। बीजेपी ने उड़ीसा में अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है तो आंध्र प्रदेश में उसकी गठबंधन सहयोगी टीडीपी 2/3 से ज्यादा सीट जीत गई है। तो कैसे रहे विधानसभा चुनाव में परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। देश में बदलाव की लहर चल रही थी और शायद इसको टीवी चैनल के एग्जिट पोल पहचान नहीं पाए, इसीलिए उनके हर अनुमान गलत साबित हुए। करीब 25 साल से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक हो या फिर आंध्र प्रदेश में 2019 के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ जीतने वाले जगन मोहन रेड्डी, दोनों को ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों वाली विधानसभा में टीडीपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को सबसे ज्यादा 136 सीटों पर जीत मिली है, यानी टीडीपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी वाईएसआरसीपी को सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत मिली है। चंद्रबाबू की सहयोगी पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा को 21 सीटों पर जीत मिली है। वहीं टीडीपी से गठबंधन करने का फायदा बीजेपी को मिला है और वो 8 सीट जीतने में कामयाब रही। दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका नवीन पटनायक को लगा है। चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी नवीन पटनायक के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई थी। यहां तक कि वो उड़ीसा में पटनायक को अपना नेता भी मानने को तैयार थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई और जनता ने बीजेपी के साथ प्यार और तकरार का खेल खेलने वाले नवीन पटनायक के साथ ही खेला कर दिया। पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने वाले पटनायक सत्ता से बाहर हो गए और उन्हें दिल्ली में बीजेपी का साथ देने की कीमत बीजेपी के हाथों राज्य की सत्ता गंवाने के रूप में चुकानी पड़ी। उड़ीसा की 147 सीटों में से बीजेपी 69 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर चुकी है तो नवीन पटनायक की बीजेपी को 45 सीटें मिली है। कांग्रेस को भी 13 सीट जीतने में कामयाबी मिली है। इसके साथ ही अब उड़ीसा में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नवीन पटनायक की सत्ता का अब अंत हो गया है। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को जीत मिल गई हो लेकिन उसके बयानवीर नेताओं ने पूरे चुनाव में उसकी परेशानी को बढ़ाए रखा। चुनाव आयोग का तो डर वैसे भी इस बार बीजेपी नेताओं के मन में नहीं था, लेकिन जनता ने ऐसे नेताओं को जो संविधान का मखौल उड़ा रहे थे उन्हें जरूर सबक सिखा दिया है। लोकसभा चुनाव का शोर बस थम ही चुका है, अब जगह जगह जीत का बिगुल बज रहा है। इस बीच सबकी निगाहें कुछ प्रमुख चर्चित सीटों पर लगी रही, जिसमें पहला नाम था प्रज्वल रेवन्ना का। कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस प्रत्याशी व कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर चर्चाएं काफी तेज रही। प्रज्वल के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है और चुनाव परिणामों पर भी इसका असर दिखाई दिया। हासन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्रेयस पटेल ने प्रज्वल को 42,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी, तो वहीं लखीमपुर खीरी सीट पर भी किसानों के आक्रोश का असर दिखाई दिया। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर किसान आंदोलन के दौरान धरना कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था। बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी का यह अहम मुद्दा रहा और अब टेनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी सीट गंवाकर।
खीरी सीट से टेनी के खिलाफ सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर को बड़ी जीत मिली है। तो यूपी की फैजाबाद अयोध्या सीट पर भी कांग्रेस के संविधान के मुद्दे के सामने बीजेपी का राम मंदिर मुद्दा भी फेल हो गया है। 400 सीट को लेकर संविधान बदलने का दावा करने वाले बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को भी जनता ने नकार दिया है। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जीत मिली है। तो मुस्लिमों पर विवादित बयान को लेकर चर्चे में रही नवनीत राणा भी महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर कमल नहीं खिला पाई। वहीं नवनीत राणा के बचाव में उतरी हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, जिन पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे, उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी से करारी हार का सामना करना पड़ा। विवादित बयान देने वाले अधिकांश नेता चुनाव हार गए, तो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करने की बीजेपी की कोशिश को भी जनता ने जबरदस्त झटका दे दिया है। इंदौर की सीट पर बीजेपी के दबाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया था, जिससे जनता का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ दिखा और यहां नोटा ने रिकॉर्ड बना दिया। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं, यहां कमल खिला है। बीजेपी के शंकर लालवानी ने इंदौर से 10 लाख से ज्यादा के भारी अंतर से जीत हासिल की है, लेकिन इंदौर सीट की चर्चा नोटा की वजह से हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदौर में 2,18,000 वोटर्स ने नोटा का ऑप्शन चुना है। ये पहली बार है कि भारत देश में नोटा को 2.15 लाख से अधिक मत मिले। अब तक देश में रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। उसे 2019 में देश में सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया था। खबर है कि अक्षय कांति बम पर 3 अलग अलग केस चल रहे हैं। उनके खिलाफ 17 साल पुराना मामला एक बार फिर से चर्चा में है, जिसमें उनकी धारा 307 जान लेने की कोशिश बढ़ा दी गई थी। दिलचस्प ये है कि ये धारा इंदौर सीट से नामांकन वापस लेने के उनके फैसले से 5 दिन पहले ही लगाई गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय बम को धमकाया था, जिसके बाद उसने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय ने अपना नामांकन आखिरी वक्त पर वापस लिया था, इस वजह से वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। और उनके नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने जनता से अपील की थी कि वो नोटा पर वोट देकर अपना विरोध दर्ज करवाएं। कांग्रेस ने नोटा का प्रचार कर इसके लिए एक अभियान भी चलाया, जिसके बाद से बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस समर्थित नोटा के साथ था। और बुलेटिन के आखिर में बात शेयर बाजार को लगे झटके की। पीएम मोदी ने दावा किया था कि 4 जून को शेयर बाजार ऊंची उड़ान भरेगा, लेकिन मोदी के वादों की तरह उनका ये दावा भी जुमला निकला। शेयर बाजार में तो आज हाहाकार मच गया, तो कैसे बिगड़ा बाजार का मूड, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कारोबार शुरू होते ही शेयर बाजार ने भी सबकी नींद उड़ा दी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और परिणामों में काफी अंतर देखा गया। एनडीए को जितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, उतनी सीटें उसे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इस बीच शेयर बाजार में चुनाव परिणामों के दिन की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। निवेशकों को 36 लाख करोड़ का झटका लगा है। पहली बार चुनाव परिणाम के दिन सेंसेक्स 6000 अंकों से अधिक फिसल गया। मार्केट खुलते ही सेंसेक्स में 1600 से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई, तो निफ्टी भी 500 अंक नीचे लुढ़क गया, जिस कारण से पावर सेक्टर, पीएसयू बैंक, मेटल शेयरों को तगड़ी गिरावट झेलनी पड़ रही है। अडानी ग्रुप को 20% से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। समूह के निवेशकों को 3 लाख करोड़ का झटका लगा है। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेशकों को 1.67 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। SBI के शेयर 14% तक टूट गए, जिस कारण से निवेशकों को 1 लाख करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, ONGC, NTPC और कोल इंडिया के शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। शेयर बाजार बंद होते के साथ 4389 अंकों की गिरावट के साथ 72,079 पर सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई, तो वहीं 1379 अंकों की गिरावट के साथ 21,884 पर निफ्टी बंद हुआ। शेयर बाजार के कारोबार को लेकर विपक्ष के नेताओं ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक बात तो साफ हो गई कि एग्जिट पोल शेयर बाजार की दलाली के लिए किया गया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हेलो हाँ हाँ रुकिए ना, अच्छा लग रहा था, रुके थे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।